श्रीमती भक्ति वेदांत स्वामी के नाम है। नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारे विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश सारे जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु श्री जी की परिक्रमा कर रहे हैं ये पता चला तो हाँ। पूरी ब्रजमंडल में भगवान कृष्ण का लीला स्थली है और उसमें एक ही है श्री गोवर्धन जी महाराज, जिनको भगवान श्री कृष्ण ने केवल पूजा नहीं किए, इतने सम्मान किए, कराए, परिक्रमा किए और कराए और करने के लिए बोल गए। तो ये जो एक पहाड़ है गिरिराज गोवर्धन जी, उनका पूजा पहले कोई शास्त्र में नहीं था। देवी देवता का पूजा करते थे, यहाँ के भी लोग देवराज इंद्र का पूजा कर रहे थे, लेकिन उसको बंद करा करके एक पहाड़ की पूजा कराना और उसका सिस्टम कैसे क्या करें, ये सारे गिरिराज जी की पूजा परिक्रमा, ये सब उनका सम्मान का फाउंडर आचार्य भगवान कृष्ण स्वयं है, उन्होंने शुरू किया। उसके पहले नहीं था, गिरिराज जी पहले थे, लेकिन भगवान कृष्ण जब 7 साल की उम्र में हुए शुरू किए। कैसे शुरू किए, क्योंकि उनके पिताजी उनके वंश परंपरा में देव पूजा था, देवराज इंद्र की पूजा कर रहे थे। देवराज इंद्र की पूजा को बंद कराए, दिवाली के दूसरे दिन इंद्र पूजा का ट्रेडिशन था, परंपरा था, उस परंपरा को बंद कराए, एक नया विप्लव शुरू किए, रिवोल्यूशन। पूरे ब्रज में जितने लोग थे सभी, लेकिन कैसे हो सकता है, हमारा जो पहले परंपरा में चलती आया है देवराज इंद्र की पूजा, उसको बंद करेंगे। लेकिन भगवान ने पूरे मीटिंग में, जैसे बैठे ना, भारी मीटिंग चल रहा था इंद्र पूजा के एक दो दिन पहले, जिस मीटिंग में कृष्ण छोटे से 7 साल के बालक आके पहुंच गए, गाय चराते हुए गोष्ठी से आकर के पूरे रेजोल्यूशन चेंज कर दिए। चेंजिंग रेजोल्यूशन थ्रू रेवोल्यूशन। तो ये जो है, क्यों इंद्र की पूजा करना बंद करके ये पहाड़ की पूजा कराए गोवर्धन पर्वत के, क्योंकि गोवर्धन पर्वत पर जो डिवोटी, गोवर्धन पर्वत भक्त हैं, और केवल भगवान के भक्त नहीं, भगवान के भक्तों का भी भक्त हैं, भगवान का सबसे प्यारे भक्त हैं गाय गोमाता, नमो ब्रह्मण्य देवा गो ब्राह्मण हिताज। तो गाय ग्वाले ब्रजवासी जो गाय गोपाल हैं, इन दोनों की सेवा गोवर्धन जिस प्रकार करते हैं और कोई नहीं करता, इसलिए उनका नाम ही गोवर्धन, गोवंश की जो वृद्धि कराए। तो इसके लिए वो देवराज इंद्र से भी ज्यादा पूजित थे, भगवान ने स्वयं प्रमाणित करके देखा, वो किए भी, वो करने के लिए बोल गए। इंद्र देवताओं के राजा है, बहुत बड़े एचओडी है, बहुत बड़े सामर्थ्य शक्ति है, लेकिन भक्तों के इस कंपैरिजन में नथिंग। तो इसलिए आप अपने को कुछ छोटा मत समझिए, क्योंकि ओके देखा भगवान की बात हो तो भगवान आ गए।
श्री जगन्नाथ भगवान की, श्री सनिताई गौर सुंदर की। तो चाहे कितने बड़े पोस्ट हो, देवता हो, राजा हो, कुछ हो, लेकिन उसका कोई मान्यता नहीं है भक्त के सामने। भक्त के पास कुछ नहीं है, भले मधुकरी करके भीख मांग कर खाए, लेकिन भगवान का है, भगवान के ऊपर आस्था विश्वास है। उस भौतिक भक्त में खासियत क्या होता है, आप लोग ये सीख लेना चाहिए कि क्या करने से हमको कोई कोचिंग ट्रेनिंग लेना नहीं पड़ेगा, कंपटीशन देना नहीं पड़ेगा, इतना नहीं पोस्ट पोजीशन, ये सब पोस्ट पोजीशन कितने भी आप जो प्रयास करते हैं आपके एज में, कितने प्रयास करते 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 हैं, इंद्र के जरा पोस्ट तो कोई हो नहीं सकता। आपके पृथ्वी लोक में, वर्ल्ड में कोई कितने बड़े पैकेज किसको मिल जाए, इंद्र के समान हो सकता है क्या? नहीं, संभव ही नहीं, स्वप्न भी नहीं हो सकता। इंद्र का पोस्ट भी 5 साल वाला नहीं है कि 10 साल वाला नहीं है, एक मन्वंतर तक रहता है। एक मन्वंतर तक देवताओं के राजा, अप्सराएं, गार्डन नंदन कानन, क्या क्या वैभव, क्या क्या अमृत पीने के लिए, लेकिन वो भी इतने बड़े शक्ति सामर्थ्य देवताओं के राजा इंद्र, कितने बड़े पोस्ट पोजिशन है, मन्वंतर तक काल तक, लेकिन वो भी भगवान ने उसको रिजेक्ट कर दिया, उसकी पूजा को इतने भारी अपमान कराए, और उन्होंने अपमान अपमान के बदला लेने के लिए पूरी ताकत लगाया, कुछ देवताओं को और ही मिला था, लेकिन कुछ नहीं कर पाया। जो भगवान के शरण में है वो, उनका कुछ नहीं। ये ब्रजवासी लोग और गाय बछड़े भगवान की बात पर मान गए, बहुत बड़े विप्लव किए, बोले नहीं, वो जो ट्रेडिशन है उनको पूजा वूजा हम नहीं करें, बंद कर दें, क्योंकि भगवान नहीं चाहते थे कि इंद्र को पूजा हो। भगवान बोलते हैं जब है भक्त और भगवान, उनके पूजा होना चाहिए, यही नियम है। तो भगवान को भक्तों के माध्यम से पूजा करना यही एकमात्र उपाय है। तो इसलिए आप लोग से भक्त बनने के लिए प्रयास करते हैं, कभी मन में हिचकिचाहट, कभी डाउट, कभी ये मत रखिए कि पता नहीं इतने समय में इधर खराब कर रहा हूँ, मेरा जब लगेगा कि नहीं, मेरा ये पोस्ट चला जाएगा, ये पैकेज था, इसे भूल जाइए। थोड़े दिन की जिंदगी में इसमें कुछ नहीं होगा, लॉस में चले जाएंगे। अगर पूरी सारे आपके इंद्रिय तृप्ति के जो विचार है और जितने प्रिपरेशन सब छोड़ करके एक क्रांतिकारी विचार मन में लाएं, एक विप्लव लाएं कि नहीं, हम भगवान का होंगे, भगवान का होने के लिए हमारा इंद्रिय तृप्ति को कम करना पड़ेगा। जो जो बाहर हैं प्लीज आ जाइए, जगह है बहुत अंदर, दो साइड में बहुत जगह है बैठने के लिए, और थोड़ा आगे आगे आ जाइए। हाँ प्लीज, सुबह सुबह ठंडी ठंडी है, थोड़ा एडजस्ट, जितने हो सके और आगे आ जाए, और साइड में भी जगह है, बैठ सकते हैं आकर के। जो बाहर हैं प्लीज कम इनसाइड। ओके तो ये जो मैं कहता हूं कि इंद्र के पोस्ट से भी कितनी बड़ी पोस्ट है भक्त बनना, तो उसके लिए तैयारी भी कोई ज्यादा कोचिंग इंस्टीट्यूट में जाना नहीं पड़ेगा, कोई तैयारी करना नहीं पड़ेगा, इतनी मेहनत नहीं करना पड़ेगा, केवल सुंदर गोपाल प्रभु के साथ जुड़ जाना पड़ेगा। सुंदर भी है और गोपाल भी है ना, नहीं तो भगवान कृष्ण गोपाल उपासक थे, इसीलिए ये गोवर्धन का इवेंट हुआ। और यहाँ बहुत बड़े लड़ाई हुआ, इंद्र वर्सेस कृष्ण, तो कुछ लड़ाई नहीं,
वो कृष्ण को थोड़ी कुछ करना चाहता था, ग्वालों और गोपों को सब मारना चाहता था, गाय बछड़े पूरे ब्रज को नष्ट करना चाहता था, है ना नहीं? और भगवान ने, आप कुछ नहीं किए, एक बात यहाँ ध्यान देने की बात है, अगर हम किसी के बात पर आकर के चलो नहीं छोड़ के ही आ जाएंगे तो माता पिता परिवार के लोग और क्या क्या कितनी बड़ी सब रिवोल्यूशन शुरू करेंगे विद्रोह, तो हम फिर नहीं नहीं ठीक है नहीं, तो कोई परेशानी आने से हम फिर समझ जाते हैं प्रभु जी सर इनके बात पर आकर के मैं बुद्धि बेकार हो गया था, अभी ऐसा नहीं करूँगा, गलती मानते। जब ब्रज में इंद्र ने अपने अत्याचार शुरू किया, बवंडर लाया, ओला बरसाया, भारी बारिश, साइक्लोन, तो सभी को पता चल गए इंद्र ने कर रहा है करके, सभी को पता चला इंद्र ने, क्रोधित होकर हम उनका पूजा नहीं किए, उनको प्रसाद नहीं दिए इसलिए कर रहा, लेकिन एक ने भी इंद्र को फोन नहीं किया, फोन नंबर सबके पास था क्योंकि सालाना से उनको फॉलोअर थे, किसी ने उसको फोन नहीं किया, सर ही नहीं मांगे, पूछे भी नहीं, उनके पास गए भी नहीं, सर एक्सक्यूज हम नहीं, सभी ने सीधा आनंद भवन में आए कृष्ण के पास, उनके पास सभी था जहां सकते थे इंद्र के, इंद्र चाहता था मेरे पास आने से मैं छोड़ भी दूंगा, एक भी लोग उनके पास नहीं गया, ना गाय ना बछड़ा ना ग्वाला ना गोपाल, कोई नहीं गए। कृष्ण बोले देखिए हम गोवर्धन की पूजा किए थे इंद्र की पूजा को रोक करके, तो गोवर्धन जी आपकी मदद करेंगे, चलिए सब गोवर्धन के पास, और गोवर्धन को भगवान ने उठा दिए छतरी की तरह और उसके नीचे सब आ गए, और गोवर्धन के नीचे जो हल बन गया था, ये हल तो कुछ भी नहीं है, आचार्य लोग बता रहे हैं भगवान ने गोवर्धन को उठाए, बारिश हो रहा था, बोले उठाए पत्थर उठा दो तो नीचे कोई फिलती जगह होगा कीड़े में, कुछ नहीं थे, इतने सुंदर सेंट्रल एसी रूम, सेंट्रल एसी भी फेल, इंडिविजुअल टेम्परेचर देने वाला, जैसे किसी को बुखार है उनको चाहिए थोड़ा गर्मी, किसी को गर्मी लगता है उसको चाहिए ठंडी, ये एसी दे सकता क्या ऐसा, नहीं ये तो सभी को सही नहीं देगा, चाहे चीज़ पसंद हो ना हो, लेकिन भगवान ने जो गोवर्धन पर्वत के नीचे हल बनाए थे इंडिविजुअल रिक्वायरमेंट के हिसाब से टेम्परेचर देता था, आपको चाहे कितने डिग्री 27 उनको 32 उनको 18 सबको अलग अलग, पास में बैठे ऐसे, केवल इतना नहीं था, ये हल के अंदर जो प्रवेश कर जाता था उसको भूख नहीं लगेगा, बाहर में हल्ला नहीं करेंगे, जिसको ब्रेकफास्ट नहीं मिला केला ले लो ब्रेड ले लो, पसंद ही नहीं, इसके अंदर एंट्री किया फॉरगेट, भूख ही नहीं है, बोले पीने के लिए ना, पीने के लिए भी नहीं है, खाना पीने का इच्छा ही खत्म हो जाएगा, तुष्ट हो जाएंगे, टायर्डनेस कभी चला जाएगा, ना श्रांति ना क्लांति ना भूख ना प्यास ना नींद, बोले कम से कम वाशरूम वगैरह, बोले नो इनपुट नो आउटपुट, वो भी नहीं होगा, और जब टायर्डनेस भी नहीं है, सोने के लिए मन नहीं कर रहा है, खाने के लिए मन नहीं कर रहा है, पीने के लिए मन नहीं कर रहा है, तो फिर क्या क्या करेंगे अपने, इतनी बढ़िया वातावरण, केवल एक ही काम था, भक्तों का ही काम होता है भगवान को देखना, उनके बारे में सुनना, तो सारे ब्रज के समुदाय गाय बछड़ से लेकर के सारे प्राणी एकत्रित होकर के गिरिराज के नीचे, सच्चे ब्यूटीफुल एटमॉस्फेयर, ना ठंडी है ना गर्मी है ना भूख है ना प्यास है ना नींद है ना क्रांति है, कुछ नहीं, सब मिलकर के चारों ओर से भगवान को देखते थे और भगवान उनको देखते थे, कितने बढ़िया फेस्टिवल फॉर वन वीक, एक सप्ताह तक चला, और इंद्र ऊपर से उतना पूरी ताकत लगा करके हमला कर रहा था, उनका हाथ दर्द हो गया वज्र मारते मारते, कुछ भी तो नहीं हुआ, जितने बारिश पानी था उनके पास स्टॉक में इमरजेंसी पानी समर्थ क्लाउड, उसको भी लगा दिया, बाद में भेजा रिपोर्टर को, बोला जाए देखो वज्र तो बह गया होगा, ब्रश तो खत्म हो गया होगा, उनका रिपोर्टर आया फोटो लेकर व्हाट्सएप में भेज दिया, बोला धूल उड़ रहा है इधर तो, बारिश हुआ ही नहीं इधर, इंद्र विश्वास नहीं किया, हाउ कैन इट पॉसिबल, खुद आया देखने के लिए, देखा कि ऐसे कुछ भी नहीं हुआ इधर तो, आराम से सब बाहर निकल कर गए 7 दिन जो इंद्र तभी इंद्र को समझ में आया कितने बड़े क्राइम किया उन्होंने, बहुत बड़ा मिस्टेक था,
आजकल भी कोर्ट ऑफ लॉ में मर्डर के 302 दफा होता ना, अटेम्प्ट मर्डर भी लगभग इतने इसी दफा लगेगा। कृष्ण इंद्र ने मर्डर करना चाहते थे, अटेम्प्ट मर्डर केस है ना, अटेम्प्ट मर्डर केस, कितने को हत्या, कितने जीव हत्या करना चाहते थे, सीवियर केस था, लेकिन भगवान उसको कोई खतरे नहीं किए। क्यों? क्योंकि इंद्र ने ये जो अपना झमला बाहर कर रहा था, भगवान के जितने प्यारे भक्त थे, गाय और जितने ब्रजवासी भक्त थे, सबके साथ भगवान एक हफ्ता तक एक ही जगह में रहने लगा। तो भगवान का कितने प्रेम है अपने भक्तों के प्रति। मैं ही चाहता था कि आप अगर चाहेंगे तो भक्त बन जाना, इतनी बड़ी फायदा की चीज़ है, इतनी बड़ी फायदा, ये अरे फायदा की तो सोच भी नहीं सकते। इंद्र चंद्र वरुण कुछ भी नहीं भक्तों के सामने, भगवान इतने पसंद करते हैं भक्त, भक्त कैसे बना जाए। कोई आईआईटी में एडमिशन करने से, कोचिंग प्रिपरेशन करने से, नहीं 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 नहीं, विप्लव में ज्वाइन करने से, केवल आपको प्रैक्टिस करना होगा कि हम हरे कृष्ण मंत्र जप करेंगे, चार नियम पालन करेंगे, जो हम भोग की वासना है उसको बंद करके सेवा की वासना को बढ़ाएंगे, दैट्स इट। केवल इतना करो, कोई ज्यादा मेहनत नहीं, इतने साथे याददाश्त करो, इतने भागो दौड़ो, रात अनिद्रा कुछ नहीं करना है, रात को आराम से सो, सुबह मंगल आरती में उठो और बढ़िया से कीर्तन कथा करो, 9 बजे गरम गरम प्रसाद मिलेगा, पाओ है कि नहीं, इतनी बढ़िया व्यवस्था है, पूरे जीवन काल तक टेंशन फ्री। और पोस्ट तो आपको पता नहीं है, जो तिलक चोटी कंठी लेकर घूमते हैं, ये तो इंद्र भी प्रणाम करते हैं उनको, ये यहाँ के लोग भले उनको पता नहीं है ये, लेकिन जिनको पता है कि कितने बड़े पोजीशन है, इंद्र चंद्र वरुण आदि देख करके जमराज भी देखने से दूर प्रणाम करता है, इतनी बड़ी पोस्ट। तो भक्त बनने के लिए आजकल ये दुनिया में मनुष्य तो बहुत कम बन पाते हैं, मनुष्य शरीर हमको मिला, ये आजकल की जो शिक्षा, आजकल जो संस्कार, जो संस्कृति हमको पशु बनाता है, तो कम से कम पशु से उठ करके मनुष्य बनो, यही विप्लव का उद्देश्य है। छोटे छोटे उम्र से नशा खा करके ये जो चार नियम है बाकायदा तोड़ते हैं सब, वो तोड़ते क्या, उसी को नियम बनाने है ना। नहीं आजकल मॉडर्न सोसाइटी में ये चार ही जो रेगुलेटिव प्रिंसिपल, दैट इज देयर फंडामेंटल प्रिंसिपल, उसी को पालन करते हैं। तो उसी को अगेंस्ट में एक क्रांतिकारी रिवोल्यूशन होना चाहिए। कौन करेगा? आप लोग सब देश के भविष्य है। आप लोग नहीं करेंगे तो आप नहीं बदलेंगे, हम नहीं बदलेंगे तो देश नहीं बदलेगा। तो इसलिए आपकी समझ आ जाना चाहिए, इसी के लिए इतने बड़े अरेंजमेंट, यहां आकर के आप इतने बड़े रेजोल्यूशन लेना पड़ेगा। गोवर्धन शक्ति देंगे, गोवर्धन के पास इतनी शक्ति है कि शास्त्र में गोवर्धन जी को हरिदास बरिया कहा गया, हरि के जितने दास हैं उनसे वरिष्ठ है, सबसे श्रेष्ठ भक्त गोवर्धन है। यहां तक कि उद्धव युधिष्ठिर से भी बड़े, गोपियां ने सभी ने बोले कि सबसे बड़े भक्त। क्यों बड़े, क्या था खासियत गोवर्धन में? क्योंकि हरि के दास, और दूसरा जो हरि के दास नहीं है माया के दास, माया के दास उदास, हरि के दास हाँ। माया के दास क्या करते हैं? जो अपने इंद्रिय तृप्ति के विचार लेकर के यही सब संसार अपने अपने आदमी को लेकर के उनके लिए जीवन पूरा भर काम करते प्रसन्न करने के लिए, वो सब माया के दास है। और जो ये सब कुछ छोड़ करके भगवान की सेवा, भगवान के भक्त सेवा करने के लिए जाते हैं, वो लोग हरि का दास है। ये हरि के दास में गोवर्धन वाज टॉप मोस्ट। कैसे टॉप मोस्ट बन पाए? देखिए हमारा तो हाथ पर है, चल सकते हैं, आंखें देख सकते हैं, कहीं जा सकते हैं, सुन सकते हैं, गोवर्धन तो स्थावर है ना। भगवान जहाँ लीला करते हैं जा सकते हैं ना, बोल सकते हैं ना, देख सकते हैं, कुछ ऐसा नहीं कर सकते हैं, एक पर्वत है, लेकिन वो कहीं नहीं जाते हैं, यही हैं भगवान अनस्टॉप,
वो दूर दूर से यहीं आ जाते, उनके पास आते, होम डिलीवरी। कोई विशेष टेक्निक गोवर्धन के पास में है, गोवर्धन के पास ऐसा कुछ खासियत है ताकि वो कहीं नहीं जाते, सारे भगवान और भक्त मंडली गाय मंडली पूरे आके गोवर्धन में बैठे रहते। क्या विशेष है उनके पास, दैट इज सर्विस एटीट्यूड, ये उनके पास है, उनसे सीखना है। तो इसलिए हम कहते, शास्त्र भी कहा गया है, कोई कार्य में सफलता प्राप्त करने के लिए सीक्रेट ऑफ सक्सेस क्या है, महत कृपा बिना नहीं कोन कार्य सिद्धि। कोई कार्य परफेक्ट सिद्धि नहीं हो सकता जब महापुरुष की कृपा ना हो। महापुरुष की तुम कहेंगे जो मोटा ज्यादा है, ढाई क्विंटल वजन, महापुरुष वही होंगे? नहीं नहीं नहीं, महापुरुष वो हैं जो भगवान के भक्त हैं, चाहे कैसे हो उनके लोग, काले हो गोरे हो मोटे हो पतले हो हाइट हो लेस हो, भगवान के भक्त ही कोई भी प्राणी को महान कर देता है। महात्मा अनंग स्मांग पार्थंग दैविंग प्रकृति मासित भजंती अनन्य मनुष्यो, उनका काम केवल भगवान के अनन्य भाव से भजन करना, यही महात्मा है। इन महात्माओं से सबसे महत्पुरुष में श्रेष्ठ है गोवर्धन, क्योंकि भक्त राज है, भक्त में श्रेष्ठ है, भक्त में श्रेष्ठ है। उसके व्हाट इज द प्रूफ, भक्त में श्रेष्ठ होने का प्रूफ है, भक्त होता है भगवान की सेवक, सेवक सबसे टॉपमोस्ट सेवक कैसे माना जाएगा, दो लक्षण से पहचान सकते हैं। जो सेवक अपने सेव्य माने भगवान को सेवा करके इतने खुश कर दे तो भगवान उनको गुणगान करो, वाह दिस सर्वेंट इज रियली, मैं उनके पास हमेशा जाऊंगा। इसलिए तो भगवान सभी को छोड़ करके गोवर्धन में आना चाहते थे, क्योंकि ही वॉज सो प्लीज्ड विद गोवर्धन। यत राम कृष्ण चरण स्परस प्रमोद, श्री राम और श्री कृष्ण बाकी सब जगह ब्रज में छोड़ करके श्री गोवर्धन के ऊपर आ जाते थे, क्योंकि वो इतने खुश होते थे गोवर्धन जी की सेवा से। इतने वो अकेले रामकृष्ण नहीं आते थे, सहगो गोप गणयो हो, उनके पूरे स्टाफ गाय बछड़े ग्वाल टोली के साथ आते थे, क्योंकि सभी के सेवा इतने अच्छे से गोवर्धन कर पाते थे अपने स्थान में रह करके। बाकी सब लोग कोई नहीं जाना चाहते थे, यही आना चाहते थे। एक ये प्रमाण है, जिनको हम सेवा करते हैं अगर वो बहुत बहुत खुशी हो, बहुत सुख प्राप्त करता है हमारे सेवा से, तो दूसरे को छोड़ करके यही जगह पर जनो नो ही इज द बेस्ट सर्वेंट। दूसरी एक प्रमाण है, केवल उनको खुशी कर देना बड़ी बात नहीं, जो सच्चाई में कोई सेवक है तो उसका दूसरा लक्षण है कि उनके सेवा करके वो स्वयं खुशी हो जाए, इतना उनको खुशी प्राप्त होगा, सुख प्राप्त होगा, और कहीं से सेवा नहीं होता जो सच्चे सेवक होते हैं, हृदय से सेवा करते। तो ये दोनों लक्षण गोवर्धन जी में हैं। गोवर्धन जी जब भगवान और अपने पूरे भगवान के परिकरों की सेवा करते हैं, तो भगवान और भगवान के परिकर सब कुछ छोड़ करके हमेशा गोवर्धन में रहना चाहते हैं, क्योंकि इतने प्रसन्नता प्राप्त होता है। उसी गोवर्धन उनके सेवा करके हम किसे सेवा करते हैं पता नहीं, कब विप्लव खत्म होगा, तीन दिन में वापस जाएंगे, बहुत टेंशन, पैसा भी खर्च करो, चलना पड़े, ऐसे नहीं। गोवर्धन जी पूरे भगवान उनके सारे परिकर को सेवा किए, भक्तों को इतने खुश थे, इतने खुश थे कि इसी को वर्णन करते हैं कि जब गोवर्धन के ऊपर भगवान राम कृष्ण और गाय बछड़े आ जाते हैं, गोवर्धन इतने प्रफुल्लित होते थे, इतने खुश हो जाते थे कि उनके पूरे शरीर पुलकित हो जाता था। ये जो घास उगता है सुयवस कंदर कंदमूले, ये जो है भगवान की खुशी के लक्षण है। उनके पूरा जैसे आप खुशी होंगे तो पूरा रोमांचित हो जाएगा, तो भगवान गोवर्धन के पूरे शरीर सुंदर सुंदर घास उग जाता था, झरना पसीना की तरह इसे वो कहता था। स्परस प्रमोद, मोद मतलब मोदित होना, मतलब सुख प्राप्त करना, प्रमोद मतलब प्रकृष्ट रूपण मोदता, इतने प्रसन्न भारी प्रसन्न होते थे कि हम लोग तो कभी इस स्टेज में गए नहीं, प्रमोदता प्राप्त करें, मोद नहीं मिलता, तकलीफ मिलता,
आप लोग परिक्रमा करते हैं, खुशी है, ऐसे करते हैं चलते समय, और क्या क्या चलते नहीं नहीं वो लोग चलते थे। अभी गोवर्धन हमको सेवा नहीं क्योंकि हम भक्त नहीं है, हमारा प्रोजेक्ट अलग है, लेकिन ऐसे वर्णन आता है जब भगवान राम कृष्ण उनके स्टाफ गोवर्धन के ऊपर आते थे, वो भी चप्पल नहीं पहनते थे, बिना चप्पल में आते थे, लेकिन जब गोवर्धन के कंकण पत्थर शिला के पैर रखते थे, इतने मुलायम नरम गरम बनता था कि मन नहीं करता था पैर उठाकर और कहीं ले जाओ, इतने सुदिंग, इतने प्लीजिंग, इतने सॉफ्ट। ठंडी के समय गरम गरम, जितने गरम चाहिए इतना, गर्मी के समय ठंडा, और इतने मुलायम, बोलते हैं कि पत्थर में पैर रखने से निशान आ जाता था, कीचड़ जैसे गुल सॉफ्ट हो जाता था। तो अगर ये सॉफ्ट मिले ना, जैसे आजकल होता है कि नहीं, परिक्रमा गया नहीं, कहीं कहीं जब भीड़ देख करके कुछ मशीन लगा कर को आना, दो पाँच रुपये में, पाँच रुपये दो मिनट में पैर की दर्द, क्या बोलते हैं किसी को याद है, नहीं 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 वो अनाउंसमेंट क्या करते हैं, दो मिनट में पैर की दर्द गायब, हाँ दो रुपया में पाँच रुपया में ये मशीन रखकर करते हैं ना मसाज करने के लिए, तो पैसा देना पड़ता है, फिर सच में होता है कि नहीं पता नहीं। यहाँ कुछ भी नहीं करना पड़ेगा, केवल गोवर्धन में आओ और पैर रखो, अपने आप पैर के दर्द सुमंतर। कोई मसाज मैन नहीं, मशीन नहीं, वो भी करंट नहीं होगा, बैटरी नहीं होगा, बोले बैठे रहो, ऐसा नहीं, ऑटोमेटिक। क्यों? क्योंकि श्री गोवर्धन इस प्रकार से सेवा करना चाहते थे, चरण सेवा करना चाहते थे, सारे भक्तों का, गाय बछड़ों का भी, अपने आप को इतने समर्पित करना चाहते थे कि उनके चरण को कष्ट ना हो, इसलिए स्पर्श प्रमोद, उनके चरण के स्पर्श उनके लिए जितनी प्रसन्न देता है उनसे ज्यादा प्रसन्न गोवर्धन जी स्वयं होते हैं। तो सेवा जो लेता है वो तो खुश होता है कि बढ़िया, जैसे आपको मिला गरम गरम प्रसाद, आप खुश लगता है उनने सेवा की आपको, लेकिन हमारा सिद्धांत है जो सेवा लेता है, सेवा प्राप्त करके जितने खुश होता है उसके कई सौ गुना ज्यादा सुख उनको प्राप्त है जो सेवा करते हैं। सेवा कार्य के जो सुख, जब तक सेवा करने वाला आप सुख नहीं प्राप्त कर पाया तो सेवा नहीं कहलाएगा। सेवा में इतने सुख है, इसीलिए भगवान को आना पड़ा सेवक बनने के लिए। भगवान तो मालिक थे अनंत कोटि ब्रह्मांड नाथ, लेकिन जब देखे ये गोपिकाएं भगवान को सेवा करके इतने खुश होती है, भगवान बोले आई एम इन लॉस, मेरे तो बना ही नहीं, मैं भगवान होकर के रसराज होकर के रस कहाँ मुझे मिला, ये तो मेरे से ज्यादा रस लेते हैं, ये रस कैसे प्राप्त करूं ना, तो भगवान बने, भक्त बनने से बात नहीं लगा। तो भगवान सेवक में, भक्त में सेवक, भगवान ही सेव्य। तो भगवान कृष्ण को पोस्ट छोड़ करके श्री मन महाप्रभु बने क्योंकि सेवा करने में जो आनंद है, सेवा लेने में वो आनंद नहीं है। तो इसलिए सेवा करने वाला बने भगवान भी, और सेवा करने वालों में श्रेष्ठ है गोवर्धन जी। ऐसे सेवा किए कोई जाना नहीं पड़ेगा, वहीं पर आना पड़ता था भगवान को भी और सभी को आना पड़ता था। इसलिए इतने बड़े श्रेष्ठ भक्त है, इतने बड़ी श्रेष्ठ सेवक है, हर लक्षण से आप देख सकते हैं उनका श्रेष्ठता। तो इसलिए यहाँ तक कि ब्रज के राधिका दी गोपिकाएं बोलते हैं अरे हम इधर उधर क्यों जाएं, उन्हीं की शरण लो, जिनका पास जो चीज है वही तो दे सकते हैं। इतने परिमाण में सेवा की भावना, सर्विस एटीट्यूड है गोवर्धन के पास, और सो एक्सपर्टीज स्पेशलिटी है उनके पास सेवा का कि भगवान भी उनके पास ढूंढ ढूंढ कर आते हैं। तो अगर उनसे सेवा करें, उनसे कुछ ये नुक्स मिल जाए हमको, तो फिर हम भी भगवान को और भक्तों की सेवा कर सकें। तो इसलिए यू शुड कम टू गोवर्धन टू टेक दिस मेरिट, ये शिक्षा प्राप्त, ट्रेनिंग लेने के लिए। तो इसलिए मैं सुंदर गोपाल को बोला राइट प्लेस राइट टाइम फॉर
ये जो विप्लव क्रांति करने के लिए, ये विप्लव का अर्थ है हम लोग के चार नियम को कड़ाई से पालन करेंगे। नो नशा, शराब सिगरेट आदि, नो इलिसिट सेक्स, नो गैम्बलिंग, नो मेडिटिंग। ये चार के विरुद्ध में विप्लव खड़ा करना है। और आप ही लोग जितने हैं, अगर एक एक लड़का दस दस को समझाने के प्रयास करे, कितने अभी इकट्ठा संद्र गोपाल वो हाउ मनी ऑफ द मैर हियर 7500 अगर अगले साल को आप दस दस को बजाओ तो फिर कितने हो जाएंगे 75,000। एक साल में 75,000 लोग जब भक्त बनने के लिए कसम खाएंगे तो बदल हो जाएगा कि नहीं। एक सरकार पांच साल में क्या ना हो जाए, काया पलट हो जाएगा भारतवर्ष की। और फिर और एक सरकार पांच साल में पूरा विश्व के भी भलचल मच जाएगा। दिस इज कॉल्ड विप्लव रिवोल्यूशन। ये रिवोल्यूशन के शक्ति श्री गोवर्धन से मिलेगा। ये शक्ति प्राप्त करने के लिए आप लोग को यहां संकल्प लेना चाहिए। हे गिरिराज महाराज, हे कृपा करके हमको ऐसा सेवा भाव दीजिए ताकि हम आज से, आज के इसी प्रातः काल से ये चार प्रकार के नियम को कड़ाई से पालन करेंगे। जीवन पर्यंत ना नशा करेंगे, ना किसी को करने देंगे, उसी को प्रचार भी करेंगे। और बाकी जो है इलिसिट सेक्स और गैम्बलिंग मेडिटिंग ये सब नहीं करेंगे। तो करेंगे क्या? हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 राम। और हर साल अक्टूबर में विप्लव में जयन देंगे। ओके, इस प्रकार के कसम जब आप आज लेंगे गिरिराज जी के तलहटी में, गिरिराज जी के सामने प्रणाम कर, तो ये विप्लव सचमुच विप्लव होगा, वो सफल होगा, है ना? नहीं तो उनको ही बल मिलेगा। यस इट इज, यही है। और यही काम करके दिखाए थे ब्रजवासी लोग, इंद्र को रिजेक्ट कर दिए। इंद्र कोई छोटा मोटा पोस्ट थोड़ी था, देवताओं के राजा था ये, तो कुछ भी नहीं धरती फरती हो तो अकाल करके खत्म कर दिया होता, कुछ भी नहीं कर, बाल नहीं बका कर, पूरी ताकत लगा दी, कुछ भी नहीं कर पाया। यही है, अगर भक्त बने भगवान के शरण में जाए कष्ट होगा, ब्रजवासियों को नहीं कष्ट हुआ, पर भारी कष्ट हुआ। और जब गोवर्धन पूजा किए, पूजा करने के बाद चले गए जमुना स्नान करने के, भैया दूज के दिन इतने बाढ़ पानी ओला बारिश से गाय इतनी परेशानी हुआ, परेशानी आया, लेकिन जीवन में तकलीफ आएगा, परेशानी आएगा, घबराओ मत, कस करके भगवान के चरण को पकड़ो, उनके आश्रय में जाओ। जब भगवत आश्रय में रहेगा कितने भी भारी विपत्ति से विपत्ति आए ऐसे ही चला जाएगा, कुछ बाल बांका नहीं कर पाएगा। ये प्रमाण है गिरिराज जी, वो स्वयं बोलते मैं हूं, मैं खड़े होकर रक्षा करूंगा। पहाड़ किसे रक्षा करेगा? उनके नीचे भगवान के हाथ है भैया। पावर वहां से आता है, कहां से आता है? छत्री, छत्री को होल्ड करने वाला कोई होता है कि नहीं? तो भगवान ने गोवर्धन रूपी छत्र धारण किए आपके ऊपर। श्री भगवान जब छत्र धारण करेंगे गोवर्धन रूपी, तो आपको कोई विपद आपद आ सकता है? बस यही तो यहां सीखना चाहिए। इतनी बड़ी रिवोल्यूशन, इतने बड़े विरोध किए देवराज इंद्र को, उनके लिए पूरा अरेंजमेंट किया हुआ था, झंडा गाड़े थे, आवाहन किए थे, प्रसाद बनाए थे, पूजा बंद, उसकी पूजा बंद करके उठा कर ले आए पहाड़ पूजने के लिए। इंसल्ट है कि नहीं? भाई आपको किसने बुलाया घर में? आप भूखे भी है, बुला करके आसन में बैठाया, पत्थर लगा दिया, बोला लाता हूँ प्रसाद, गरम गरम रोटी लाता हूँ, थोड़ा सब्जी अचार प्लेट में दे दिया, रोटी के लिए बैठे, रोटी आ नहीं रहा, अचार चाट चुट के खत्म कर दिए, रोटी आ नहीं रहा। नाम लेकर फुकर है क्या? वो तो माल लेकर चले गए दूसरी जगह, कोई समन नहीं, जब भी बनाए थे रोटी फोटी केक सब लेकर के गिरिराज चले गए। और गोवर्धन जी वेट कर देखे कोई नहीं है, फोन करके पता किए,
खबर लेने वाले से बोले तो बड़ा फीस्ट यहाँ चल रहा है, गुस्सा होंगे कि नहीं? आपको बैठा करके पूछे तक नहीं यहाँ आ गए गिरिराज जी की पूजा की। ये इतने बड़े भारी अपमान इंद्र के लिए क्यों भगवान ने करा है? क्योंकि इंद्र को सबक सीख जाना चाहिए कि अहंकार नहीं होना चाहिए। ये सब भगवान के निजजन है, भगवान के भक्त है। अगर भक्तों के साथ में कोई अगर पंगा ले तो उसको ऐसे ही अपमानित होना पड़ेगा, मूछ कटना पड़ेगा, नाक रगड़ना पड़ेगा, और सदा के लिए फिर कसम खाया आज से मैं कभी भक्तों के साथ पंगा नहीं लूंगा। तो इसलिए कभी कभी भक्तों को दिक्कत होना पड़ता है, परेशानी आता है, घबराओ मत, कस करके भगवान के शरण में रहो और उनका नाक कुछ उखड़ जाएगा जो करता है। अनेक अनेक घटना है, पूरा इतिहास पुराण उसका प्रमाण भरा पड़ा है और वो साख्या साखी है गिरिराज जी। तो इसलिए आप जीवन में जो जो सब प्लान प्रोजेक्ट किए थे, मुझे ये बनना है, ये करना है, ये करना है, आपने सुख और आराम के लिए और क्या क्या करने के लिए जो विचार, सारे को वहीं पे फेंको डस्टबिन में। केवल एक ही विचार रखो, भगवान की शरणागत भक्त होने का, भगवान और भक्तों की सेवा करने का, बस। और सेवा करने के लिए तो ये योग्यता थोड़ी से होता है, फॉर रेगुलेटिव प्रिंसिपल पालन करना है, हरे कृष्ण जपना है और उनके मिशन में ज्वाइन करना है, यही है ना? अगर सारे भक्त बन जाएंगे है कि नहीं, मेंटेन कर पाए है, बोलते हैं हाँ कर। आप बोलेंगे नहीं, उनका पास है व्यवस्था, आप बोले आज ज्वाइन करेंगे सब फुल टाइम, ओके यस हाँ। आज भी अगर आप फुल टाइम ज्वाइन करें तो आज भी आपके व्यवस्था कहीं ना कहीं करेगा, भोजन का, पानी का, कपड़ा का, सब कुछ व्यवस्था करेगा। सप्लाई वहां से आता है ना, भगवान का हाथ नीचे से है, नीचे से है हाथ, तो गोवर्धन जी क्यों नहीं उठा करके आप रखा करेंगे, है ना? नहीं तो इसलिए जीवन में अगर सुधरना है, उधरना है, और सबसे श्रेष्ठ पोस्ट जो कभी हो नहीं सकता, ना हुआ ना होगा, श्री भगवान के एक अच्छे भक्त बनना, ये पोस्ट पाने के लिए आज के विप्लव में आकर के ऐसे रिवोल्यूशन रेजोल्यूशन लेना चाहिए। एक ऐसे संकल्प लीजिए, ऐसे कसम लीजिए ताकि आप जीवन में विप्लव आ जाए, ओके? तब फिर आप भी बदलेंगे और दुनिया को भी बदल डालेंगे, है कि नहीं? कितने अच्छा होगा, कर थोड़ा सोचो, पूरी भारत में कोई नशा ना हो, कोई परस्ते संग ना करे, कोई नशा ना जो का मनुष्य भक्षण ना करे, कोई गैम्बलिंग ना करे, थोड़ा सोचो क्या होगा? कभी अनुमान किया अपने? सोचे बैठ करके, आधा घंटा बैठ कर सोचिए कि अगर ऐसा सिचुएशन आ जाए, पूरे भारतवर्ष में कितने जनता है, हाँ? 140 करोड़, 125 करोड़ की 150 करोड़ लोग अगर ये चार नियम को पालन करे, हरे कृष्ण जप करे, तो गोलोक वृंदावन डाउनलोड हो जाए कि नहीं? हाजी हो। कितने बड़ी विचार है, कितने बड़ी उदार भावना है कि नहीं? इससे उदारता, इतने सुख, इतने अच्छाई के लिए संकल्प लेना अच्छा है कि नहीं? तो इस संकल्प के लिए विप्लव करना होगा। लोग ठका शराब लेने के लिए विप्लव करते हैं, हमको मिला नहीं ठीका, हम बोलते हैं नहीं, हम पीना ही छोड़ देंगे, तो बैठा उनके विरुद्ध में झगड़ा नहीं करेंगे। जन जन में अगर ये समझाएंगे नशा करना ही छोड़ दो, अत्याचार से भ्रष्टाचार करना छोड़ दो, ये सब जुआ सट्टा खेलना छोड़ दो, पशु हिंसा ये सब छोड़ दो, तो कैसा होगा? थोड़ा सोच लीजिए, कितने मनुष्य जीवन में भगवान स्वयं बोले, प्राण अर्थे धिया वाचा श्रेय आचरणम सदा, एतावत जन्म साफल्यम देहि नाम यह देहि से, भगवान बोले इस जन्म का सफलता केवल इतना ही है, दैट्स इट, केवल इतना ही शरीर धारण कर, जिनने हम लोग शरीर धारण किए, शरीर धारण करने का परफेक्शन, सुप्रीम परफेक्शन केवल इतना ही है, क्या ना? आपके पास जो प्राण है, बुद्धि है, धन है, वाणी है, दूसरे की भलाई के लिए लगाओ, दूसरे की भला करो, उपकार करो, श्रेय आचरण सदा। और पेड़ों के उदाहरण दिए थे,
तो इससे हम परोपकारी बन जाए तो भगवान हमारा साथ रहे। तो जीवन की सबसे बड़ा सफलता ये है। इस सफलता के लिए अगर आप लोग कदम उठाएं तो सफल होंगे ही, क्योंकि सफलता का मार्ग, तो इसको छोड़कर विफलता के मार्ग में क्यों चलते हैं? आप जितने युवा समाज, भारत के इतने बड़े युवा शक्ति, अगर ये विप्लवकारी क्रांतिकारी ये कसम ले, ये संकल्प ले कि नहीं हम ऐसा करेंगे, तो जितने बड़े बड़े महापुरुष हैं और जितने बड़ी बड़ी चिंता सोचने वाली समझदार व्यक्ति, सभी बोलेंगे कितने महान हैं आप, एक घंटे में आप लोग महान बन जाएंगे, देवता लोग का पूजा करेंगे। केवल विचार मन में लाते ही, इस अपने भावना को मन में लाते ही, क्योंकि इतनी बड़ी क्रांतिकारी कल्याणकारी मंगलकारी और आपको महान बनाने वाली भावना इतनी बड़ी है। केवल भावना मात्र से सब हो सकता, अगर करेंगे फिर कहना ही क्या है, है कि नहीं? टाइम ओवर है ना? कंटिन्यू कहाँ टाइम बल को बैठे? क्वेश्चन बोलो, किसी को क्वेश्चन है? नहीं तो प्रभु जी बैठे हैं, कुछ बोलेंगे। हाँ बोलिए। कुछ सज्जन लोगों का विचार रहता है कि श्रीमती राधा रानी का नाम ब्रजवासी ही ले सकते हैं, अन्य कोई नहीं ले सकता है, ऐसा भी कुछ है? तो अगर आप लेंगे तो आप ब्रजवासी हो जाएंगे, तो दिक्कत क्या? प्रभु जी बोले हमसे राधा जी, तो बोले कि नहीं हम लोग सिर्फ केवल ब्रजवासी बोल पाएंगे, तो हम तो आम बनवासी हो गए उसमें। राधे राधे। बोल हरे कृष्ण महाराज, धन्यवाद करना, थैंक यू फॉर योर मैसेज महाराज। मेरा ये क्वेश्चन है कि जब महाराज भक्तों के सकारात्मक बहुत एंथुजियास्टिक रहते हैं स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस को लेकर, जब महाराज हम लोग अपने घर पर रहते हैं तो थोड़ा एंथुजियास्टिक रहता है, तो घर पर भी उससे एंथुजियास्टिक के साथ कैसे स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस को फॉलो करते हैं? क्यों रिस्क लेते हैं घर जाकर, यहीं रहो ना भक्तों के साथ। महाराज जी के आशीर्वाद से आप जिस भी एरिया में जहां पर भी हैं वहां पर बेस भी है, आप वहां पर बेस में भी जाकर भक्तों के साथ में रह सकते हैं। इधर भी किसी का है प्रश्न? हाँ इधर एक है। हरे कृष्ण प्रभु, मेरा ये क्वेश्चन है कि ये गवर्नमेंट बियर बार और कैसीनो चलाते हैं, तो इस कौन ग्रुप इसके खिलाफ आवाज नहीं उठा रहा? विप्लव करते हैं इसलिए तो कर रहे हैं, हम इसी से बंद करेंगे उनको, उनका प्रश्न नहीं। नहीं नहीं ये सब बेकार है, वो टाइम देखेंगे, सबसे बेस्ट है ये। वो चल रहे हैं ना, तो वो चल रहे हैं, हर कोई आने जा रहा है, बस आप ही जितने आए हैं अगले साल को 10-10 लेकर आना। ओके मैं सूत्र बताया ना, ये पक्का है, ये झगड़ा झाटी करे खुद, इससे कुछ नहीं होता, हम बदलेंगे बदलेंगे। ओके हम बोलिए बोलो। ये मतलब आपने बोल दिए सेक्स वगैरह कुछ का, लेकिन हार्मोन्स आते हैं उनको कैसे कंट्रोल करें? क्या बोलते हैं? हार्मोन्स के लिए जो होते हैं ना बॉडी के, हां हार्मोन्स हां कीर्तन करके, कीर्तन करो मस्त, सब ड्रेन अप हो जाएगा।
एक बार परिक्रमा लगाओ, कीर्तन करो, देखो कहां हरमन फन सब खत्म, बच्चे गए नहीं कुछ। हरे कृष्ण, वो बोलते हैं कि हमारा हीट अप होता है, हरमन ज्यादा आता है, हम कहते परिक्रमा करो, कीर्तन करो, करो, क्या होगा, सारे पैसेंट डाउन। हरे कृष्णा प्रभु जी, मेरा क्वेश्चन है कि भगवान अपनी पूजा इंद्र की पूजा छोड़कर अपनी पूजा करने के लिए क्यों बोले? अगर इंद्र भगवान का अहंकार था तो भगवान उसके अहंकार को खत्म करते हैं, फिर भगवान अपनी पूजा करने के लिए क्यों बोले? क्योंकि आप तब थे नहीं, तो आपसे कंसल्ट करते हैं भगवान के डिसीजन में उनका ऑब्जेक्शन आ गया। भगवान आपसे पूछेंगे क्या? आप भगवान से बड़े जाओ, समझदार है, बैठो चुप। क्या क्या बेस्ट फॉर्मूला बताता हूँ ममचर बनने के, घर से भागो मत, घर में रहो, कुछ मत करो, एक बार हरे कृष्ण जपो, खाओ पियो हरे कृष्ण करो, आपके माता पिता ला के सुंदर छोड़ देंगे, भैया आप रखिए, हमारा दिमाग खराब कर दो, वो खोलना के डिपोजिट करके जाएंगे, आप भागते क्यों हैं, वो ही भगा कर लाएंगे आपको। ओके उसके लिए और एक क्लास लेना पड़ेगा और अलाउ नहीं करेंगे। ओके, नेक्स्ट क्लास में आना। हरे कृष्ण महाराज, मेरे प्रश्न ये है, जो हमारी इच्छा है वो हमारी आत्मा से अलग है। आत्मा से इच्छा, आत्मा को जानते हैं, आत्मा कहाँ रहता है, क्या है, कैसा है? मन बुद्धि अहंकार आत्मा नहीं है, वो तो जड़ है, आत्मा तो चेतन है ना, पहले उसको जानो फिर जानोगे इच्छा कैसा है ना। इच्छा क्या है? ये सब मन के देता है, मन का काम है। हाँ, वो इच्छा भी, हमारे इच्छा हमसे बदलता रहता है, हमारे जैसे संग होता है ऐसे रंग चढ़ जाता है। अच्छे संग में रहेंगे इच्छा भी अच्छा होगा, बुरे संगत में बुरा इच्छा होगा, तो इसमें क्या। वो बोलते हैं कि हमारे परिवार के लिए कुछ कर्तव्य होता है, करेंगे, तो परिवार के कर्तव्य को मना नहीं करता है, कृष्ण के परिवार करो, कृष्ण रे संसार करो, छड़ी अनाचार। हाँ तो उन्हीं के बात तो मैं कह रहा हूँ, वही कह रहा है, मैं आपके बात नहीं कह रहा हूँ, जो उन्हें सृष्टि करता है खुद बोला ही करो करके बोले। क्या बोलो 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 बोलो, बाबा बोलते हैं कि अच्छे से पढ़ो, फिर कहो कि हम लोग का नाम सुन करना है, अच्छा जॉब लेना है, आगे फ्यूचर बनना है, और अगर हम ब्रह्मचर्य में चले जाएंगे तो फिर जो वो सपना देखा है वो फिर कैसे पूरा होगा। और माँ बाप बोलते हैं कि भक्ति भी करो लेकिन आपको शादी भी करना है, फिर ब्रह्मचर्य कैसे बनेंगे? देखिए, इसका कारण यह है कि ना आपको पता है ना आपके माँ बाप को पता है कि उससे भी हायर पोस्ट कुछ है क्या। वो बोलते हैं आईएएस ऑफिस बनना सबसे बड़ा गजेटेड ऑफिसर पोस्ट, लेकिन उससे भी सुपर सुपर सुप्रीम गजेटेड पोस्ट कोई है ये ना आप जानते ना वो जानते, जब उनको पता चलेगा ना बोले हाँ उसको भी करो, उसको क्या करना पड़ेगा,
नहीं आना पड़ेगा, है ना। हाँ, तो पहले आप समझ जाएंगे कि सबसे बड़ी पोस्ट क्या है। मैं तो कभी कभी बोलता हूँ, नारद जी के बारे में सुने, नारद जी जैसा पोस्ट कभी है ना हुआ होगा, वो कैसे बने, कौन सा कोचिंग सेंटर ज्वाइन किए थे नारद जी बनने के लिए, कुछ नहीं किए, 5 साल से उनको इस संग मिला, पूरा जीवन भर तैयारी किए, सीधा उसके बाद एक दासी के पुत्र से ब्रह्मपुत्र बने, नारद बने, ये है सक्सेस। अरे यहाँ जाकर मर मर करके थोड़ा बहुत कर क्या है उसमें, है ना, अगर बुद्धि है समझ है तो वैसा करो, तब तुम्हारे माता पिता का भी कल्याण होगा, आपका भी होगा, सबका। ये क्या छोटे मोटे टाइम खराब कर रहे, ओके। गृहस्थ जीवन जरूरी है, हाँ गृहस्थ जीवन करना जरूरी है, मना थोड़ी क्योंकि गृहस्थ नहीं होगा तो आप लोग प्रोडक्शन कहाँ से होगा, ब्रह्मचर्य आएंगे, गृहस्थ नहीं होंगे तो ब्रह्मचर्य आएंगे कहाँ से भैया, गृहस्थ होंगे आइडियल गृहस्थ, आदर्श गृहस्थ, हम बताते हैं आदर्श गृहस्थ बनना, वो भी ब्रह्मचारी, ओके। यस अरे भैया तो आप क्या करेंगे फिर उनको दे देंगे, आपको देना है ना, इसलिए अब रखा गया, आप उनको सिखाएंगे इसलिए ड्यूटी रखा गया, है ना, ओके। महाराज से पर्सनली पूछ लीजिएगा, तो बहुत बहुत धन्यवाद, अभी हमें आगे भी जाना है, तो महाराज जी का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं, महाराज जी के इस दृढ़ निष्ठा